नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी लोगों को दोस्तों ये दिक्कत रहती है कि उनका जो क्रेडिट कार्ड का बिल आता है वो जो दोस्तों उनके बिल से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे ऐड होके उसमें आते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि जितना दोस्तों जो आपका बिल है, जैसे आपको पता है कि आपका बिल 8,000 रुपये आने वाला है, तो उसमें 100 या 150 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ के आ रहे हैं ये दोस्तों आपको पता नहीं होता और आपको बैंक जाना पड़ता है। तो वही मैं दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्स्ट्रा पैसे किस चीज़ के आते हैं। काफ़ी लोगों को दोस्तों तो पता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे दोस्तों आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले दोस्तों मैं करता हूँ HDFC बैंक की एप्लीकेशन को ओपन और मैं आपको बैक शुरू से दिखाता हूँ। जी देखिए दोस्तों, जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आपको दोस्तों आपको जाना है 3 लाइन पे और आना है पे वाले ऑप्शन पे। उसके बाद दोस्तों आपको कार्ड वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ आने के बाद देखिए, यहाँ पे मेरे क्रेडिट कार्ड वाला अमाउंट शो हो रहा है, जो है मेरे क्रेडिट कार्ड का दोस्तों 0495। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए, मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो है 8,218 रुपये, जो दोस्तों मुझे 8 फरवरी तक पे करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इतना जो बिल है, बट मुझे पता है कि मेरा बिल इतना नहीं आना चाहिए था, इसमें 96 या 97 रुपये कम आने चाहिए थे, बट वो एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मेरा 2 लोन चल रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, जो है 1474 का, एक दोस्तों 6648 का। तो इसमें दोस्तों ये टोटल आप कैलकुलेट करते हो तो आपके दोस्तों होते हैं 8,100 कुछ रुपये, बल्कि इतने होते हैं। और दोस्तों मेरा बिल आया है 8,218 का, यानी दोस्तों इसमें 100 रुपये के समथिंग एक्स्ट्रा रुपये एड होके आए हैं। तो किस चीज़ के हैं तो आपको दोस्तों पता करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे आना है और डाउनलोड बिल पेमेंट जिस स्टेटमेंट है दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ फरवरी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो आपको क्या करना है, जनवरी सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि हमारा बिल पिछले महीने का था, अभी जनवरी स्टार्ट हो चुकी है आज से। ऐसे क्लिक करोगे आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जहाँ पर क्लिक करोगे तो आप किसी के भी, आप यहाँ पे जो नंबर देख रहे हो व्हाट्सअप के जो होते हैं, आप कहीं भी सिर्फ आपको एक बार यहाँ पे टच करना है, जिसके बाद सेंड नहीं होगा, सेंड जब होगा जब आप सेंड करोगे। देखने के लिए आपको क्या करना है, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए हमारे दोस्तों ये लोन चल रहे थे, मैंने अभी आपको दिखाए थे, उन दोनों की दोस्तों GST होती है, जिसमें दोस्तों जो ज़्यादा अमाउंट था 6648 वाला, उसकी GST है दोस्तों 72 रुपीज़, और 1400 रुपये की दोस्तों जो GST है, देखिए यहाँ पर GST शो आ रही है, GST ये देखिए, जिसकी दोस्तों GST है, मैं आपको दिखाता हूँ, 23 रुपीज़। तो जब आप इन दोनों को प्रेस करोगे तो ये समथिंग वही 96 रुपये के आसपास बैठेंगे। तो दोस्तों इनको प्रेस करके हमारा बिल होता है 8,218 रुपये समथिंग का। तो काफ़ी लोग दोस्तों चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसे क्यों आ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँगा जो दोस्तों GST होती है, जो GST दोस्तों अलग से लगती है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो इसी वजह से हमारे बिल में एक्स्ट्रा पैसे लग के आते हैं। तो आपके अगर बिल में 100, 125 रुपये या 150 रुपये जो भी एक्स्ट्रा लग के आ रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बार चेक कर लें कि हमारे बिल की EMI कितनी है, EMI कितनी आती है और उसकी GST कितनी है। तो GST को प्लस जब आप उसमें करोगे तो आपका बिल उतना ही बैठेगा जितना दोस्तों आपके मोबाइल में शो हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड में बिल में जो पैसे एक्स्ट्रा लग के आते हैं वो किस वजह से आते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल जरूर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।